स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। सो ये सेकंड क्लास है आपका जूरिस्प्रूडेंस का, एंड आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। इसके साथ साथ हम हॉफमैन का एनालिसिस ऑफ लीगल राइट्स एंड जूरल रिलेशन का स्कीम भी डिस्कस करेंगे। सो पहले एक बार देख लेते हैं, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, एंड इसमें क्रैश कोर्स फॉर एलएलएम चल रहा है, इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट का क्लास कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ में अभी हम इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंट लैंडमार्क जो जजमेंट्स होते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस की ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है जिसमें आप लोगों ने कमेंट किया, आपने आंसर बताए, एंड दिस इज द सेकंड क्लास फॉर जूरिस्प्रूडेंस। तो अच्छे से हम पढ़ते हैं क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस से कोई भी जजमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। सो हमें कंसेप्ट क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में पढ़ेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज। प्रीवियस क्लास में हमने स्कूल्स डिस्कस कर लिए थे, फाइव स्कूल्स थे, हमने फाइव स्कूल्स पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए थे विद सम इम्पोर्टेंट जूरिस्ट, एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा समझते हैं कि लीगल राइट्स क्या होता है। लीगल राइट्स बेसिकली, व्हाट इज लीगल राइट्स? सो इट इज एन इंटरेस्ट रेकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूल ऑफ लीगल जस्टिस, एंड वायलेशन विल बी अ लीगल रॉन्ग, एंड रेस्पेक्ट फॉर इट इज अ लीगल ड्यूटी। सो ये क्या है, लीगल राइट क्या होता है? लीगल राइट एक आपका ऐसा भी इंटरेस्ट होता है जो कि रेकग्नाइज किया हुआ है एंड प्रोटेक्ट किया, जिसको रेकग्नाइज एंड प्रोटेक्ट किया गया है बाय रूल ऑफ लीगल जस्टिस, मतलब बाय लॉ वो रेकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड है। एंड अगर कोई वायलेट करता है मेरा लीगल राइट तो मेरे पास क्या रेमेडी है? तो अगर इफ समवन वायलेटेड माय लीगल राइट तो ये उसके पार्ट में एक लीगल रॉन्ग हो गया, एंड उसको रेस्पेक्ट करना, मेरे लीगल राइट को रेस्पेक्ट करना उसका एक्स पर्सन का लीगल ड्यूटी है। एंड अगर उसने वायलेट किया तो उसने क्या किया है, लीगल रॉन्ग कमिट किया, जिसके लिए मुझे रेमेडी मिलेगी। एंड वो बाद का बात है, अभी हम इस टुडेज क्लास का डिस्कशन का पॉइंट है कि लीगल राइट्स क्या होता है एंड ड्यूटीज क्या होती है। अब ये जो राइट होता है लीगल राइट, ये मॉरल राइट से डिफरेंट होता है, ये थोड़ा मॉरल राइट से डिफरेंट होता है। एंड मॉरल राइट को अगर मैं देखूं तो उसका मतलब क्या होता है, एन इंटरेस्ट रेकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड, सेम चीज है कि ये भी रेकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड है। क्या रेकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड है? आपका कोई भी इंटरेस्ट बाय अ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये बाय अ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस रेकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड होता है, जो मॉरल राइट होता है। जैसे एक पर्सन डूब रहा है, एक्स डूब रहा है पानी में, मुझे स्विमिंग आती है, अब उसे जाके बचाना, ये मेरा अनलेस एंड अंटिल आई एम अ कोस्ट गार्ड, अनलेस एंड अंटिल मेरा जॉब है उसे जाके बचाना, तब तक आई एम नॉट लायबल, आई एम नॉट लीगली लायबल, बट आई एम मॉरली लायबल कि मैं उसे जाके बचाऊं। ठीक है, तो यहां पर मेरे पे कोई लीगल सैंक्शन नहीं लगेगा अगर मैं कोई नॉर्मल सिटीजन हूं जिसका काम नहीं है उसे जाके बचाना, अगर मैंने नहीं बचाया तो मुझ पे कोई लीगल सैंक्शन नहीं लगेगा, मुझ पे कोई भी मेरा लीगल ड्यूटी नहीं है, बट ये मेरा क्या है, ये मेरा मॉरल ड्यूटी है। सो यहाँ पे अगर हम वायलेट करते हैं तो ये मॉरल रॉन्ग होगा, एंड रेस्पेक्ट फॉर इट, अगर जैसा कि हमने देखा था लीगल राइट्स का वायलेशन लीगल रॉन्ग होता है, सो मॉरल राइट्स का वायलेशन इज मॉरल रॉन्ग, एंड रेस्पेक्ट फॉर इट इज अ मॉरल ड्यूटी, ये हमारा मॉरल ड्यूटी होता है इसका रेस्पेक्ट करना। सो यहां तक क्लियर हुआ कि लीगल राइट और मॉरल राइट में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज कि ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दिया था, ऑस्टिन ने लीगल राइट का क्या डेफिनेशन दिया था। तो एज पर ऑस्टिन, राइट इज अ फैकल्टी विच रिजाइड्स इन डिटरमिनेट पार्टी और पार्टीज, मतलब ये एक ऐसा इंटरेस्ट है विच रिजाइड्स इन डेफिनाइट पार्टीज, मतलब ये कोई जो फिक्स है, मतलब डिटरमाइन किया हुआ है, अनसर्टेनिटी नहीं है, ये डिटरमाइन है, तो वो पार्टी या एक से ज्यादा पार्टीज में रिसाइड करते हैं बाई वर्च्यू ऑफ अ गिवन लॉ, यहां पर लॉ आता है क्योंकि ये लीगल राइट्स है, एंड विच अवेल्स अगेंस्ट द पार्टी और पार्टीज अदर देन द पार्टी और पार्टीज इन हुम इट रिजाइड्स। सो ये बेसिक डेफिनेशन हो गया दैट राइट इज अ फैकल्टी, ये रिजाइड करता है पार्टीज में अगेंस्ट द अदर पर्सन, जिसका करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होता है टू रेस्पेक्ट आवर लीगल राइट। बट इस डेफिनेशन में एक इशू है, इस डेफिनेशन में क्या इशू है, ऑस्टिन के डेफिनेशन को किस पॉइंट पे क्रिटिसाइज किया गया था, ये बोल के क्रिटिसाइज किया गया था कि ठीक है
एवरी लीगल राइट हैज करस्पॉन्डिंग लीगल ड्यूटी, बट जरूरी नहीं है कि ये वाइस वर्सा ट्रू हो, ये वाइस वर्सा ट्रू हो ये जरूरी नहीं है। हेंस ऑस्टिन का डेफिनेशन एक इम्परफेक्ट डेफिनेशन है। तो फिर दूसरे जूरिस्ट का देखते हैं। नेक्स्ट हॉलैंड ने डेफिनेशन दिया दैट लीगल राइट इज कैपेसिटी रिजाइडिंग इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विद द असेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट द एक्शन ऑफ अनदर। मतलब यहां पर ये क्या बोला कि हॉलैंड ने क्या कहा कि लीगल राइट क्या होता है, ये एक कैपेसिटी होता है जो कि एक पर्सन में रिजाइड करता है जिसमें वो असेंट और असिस्टेंस ऑफ स्टेट के साथ दूसरे पर्सन का एक्शन को कंट्रोल कर सके। ये है हॉलैंड का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं सैलमन का। सैलमन ने कहा अ राइट इज एन इंटरेस्ट, राइट इज एन इंटरेस्ट रेकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड। राइट क्या है? इंटरेस्ट विच इज रेकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाई रूल ऑफ राइट दैट इज बाई लीगल रूल्स। रूल ऑफ राइट का मतलब लीगल रूल्स। इट इज एन इंटरेस्ट रिस्पेक्ट फॉर विच इज अ ड्यूटी एंड डिसरिगार्ड ऑफ विच इज अ रॉन्ग, जो कि हम पढ़ रहे थे। सो सैलमन का कहना है कि एक ऐसा इंटरेस्ट है जिसका रेस्पेक्ट करना हमारा ड्यूटी है एंड डिसरिगार्ड इज अ रॉन्ग। और साथ ही सैलमन ने कहा कि राइट क्या है, ये एक इंटरेस्ट होता है, तो ये इंटरेस्ट रेकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ होता है। एंड यहाँ आगे कहा कि रेकग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लीगल राइट दैट इज इट इज इनफोर्सिएबल बाय जुडिशियल डिसीजन। मतलब हम कोर्ट में जाकर के अपने इस राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं, ये सैलमन ने कहा। सो ये डेफिनेशन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है सैलमन का, कि ये मोर और लेस बहुत करेक्ट डेफिनेशन है लीगल राइट्स का। सैलमन का डेफिनेशन इज मोर एक्सेप्टेबल देन ऑस्टिन एंड हॉलैंड का डेफिनेशन। सो अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लीगल राइट के होते हैं। कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी राइट लीगल राइट है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बताते हैं कि कौन सी राइट लीगल राइट है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कि किसी एक्स पर्सन में ये राइट वेस्टेड होगा, जो भी ये राइट होता है ये किसी एक्स पर्सन में वेस्टेड होगा। ऑब्जेक्ट एक वाई पर्सन जिसकी करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगी, तो इसमें राइट वेस्टेड होगा, इस पर्सन की करस्पॉन्डिंग ड्यूटी होगी। कंटेंट मतलब अब ये राइट कुछ बताएगा कि आपको कोई एक्ट करना है या आपको नहीं करना है। मतलब एक्ट या फॉरबियरेंस हमें बताएगा ये कि हमें कोई एक्ट करना है या नहीं करना है। एंड टाइटल का मतलब होता है कि किस रीजन से ये राइट वेस्ट हुआ है। तो हमें ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि कोई राइट लीगल राइट है या नहीं। दैट इज सब्जेक्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या है और उसका टाइटल क्या है कि किस रीजन से वो वेस्ट हुआ है। अब यहाँ पर दो थ्योरीज आती है लीगल राइट्स की, दो थ्योरीज आती है। फर्स्ट इज विल थ्योरी। तो विल थ्योरी का कहना है कि लॉ का मेन पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर कि फ्री एक्सप्रेशन हो ह्यूमन विल का। मतलब ह्यूमन बींग्स आर एबल टू एक्सप्रेस देयर विल फ्रीली। मतलब मेरा जो भी मर्जी है, मेरा जो भी डिजायर है वो मैं फ्रीली एक्सप्रेस कर सकूं। सो यहाँ पर है पर्पस ऑफ लॉ इज टू ग्रांट इंडिविजुअल द मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ असर्शन। मतलब लॉ का पर्पस है कि हम इंडिविजुअल को ग्रांट करें मीन्स, ऐसा कोई भी मीन कि जिससे वो सेल्फ खुद को एक्सप्रेस कर सके या असर्ट कर सके। एंड इसको सपोर्ट किया था हेगल, कांत, हुमे, ऑस्टिन हॉलैंड एंड पोलॉक ने। विल थ्योरी के सपोर्टर थे ये लोग। सो विल थ्योरी में यही था कि ह्यूमन बीइंग को अपना विल फ्रीली एक्सप्रेस करने में लॉ हेल्प करे। एंड यहाँ पर होम्स का डेफिनेशन देखते हैं कि अ परमिशन टू एक्सरसाइज सर्टेन नेचुरल पावर्स एंड अपॉन सर्टेन कंडीशंस टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन बाय द एड ऑफ पब्लिक। तो होम्स ने भी सपोर्ट किया था विल थ्योरी को ये कह के कि इट इज अ परमिशन। विल थ्योरी में मतलब लॉ क्या होता है, ये एक परमिशन होता है टू एक्सरसाइज सर्टेन नेचुरल पावर्स एंड अपॉन सर्टेन कंडीशंस टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन बाय एड ऑफ पब्लिक। बट इस थ्योरी को अपोज किया था डगोइट ने। डगोइट ने इसको अपोज किया और कहा कि
बेसिस ऑफ लॉ क्या होता है? बेसिस ऑफ लॉ इज द ऑब्जेक्टिव फैक्ट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डगोइट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डगोइट कौन से स्कूल को एडवोकेट करते थे, डगोइट वॉज फ्रॉम विच स्कूल, वो किस स्कूल को एडवोकेट करते थे, किस स्कूल के जूरिस्ट थे, वो किस स्कूल को प्रपाउंड करते थे। यहाँ आते हैं, डगोइट का क्या व्यू पॉइंट था रिगार्डिंग विल थ्योरी। सो डगोइट का कहना था कि बेसिस क्या होता है लॉ का, सोशल सॉलिडारिटी। लॉ का मेन पर्पस है कि हम सोशल सॉलिडारिटी को फुलफिल करें, ना कि किसी पर्सन का सब्जेक्टिव विल। तो लॉ का मतलब, लॉ का मेन पर्पस इज नॉट कि हम किसी इंडिविजुअल का सब्जेक्टिव विल को फुलफिल करें, रादर लॉ का मेन पर्पस है कि हम सोशल सॉलिडारिटी के लिए वर्क करें। सो लॉ इज टू प्रोटेक्ट ओनली दोज एक्ट्स और थिंग्स विच फर्दर सोशल सॉलिडारिटी। द आइडिया ऑफ विल इज एंटी सोशल। मतलब हर इंडिविजुअल ऐसे तो चाहेगा कि मेरा विल सुप्रीम है, मेरे विल को प्रोटेक्ट होना चाहिए। सो इट इज एंटी सोशल। हमें सोशल सॉलिडारिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इससे एक सेकेंड थ्योरी आई, दैट इज इंटरेस्ट थ्योरी। ये एक सेकेंड थ्योरी आई। तो यहां पर इसका कहना था कि राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। अब क्या होता है कि हर इंडिविजुअल का बहुत सारा विल होता है, हर इंडिविजुअल का बहुत सारा डिजायर होता है, और ये डिजायर कोई लॉ नहीं बनाता है, ये कम्युनिटी में, हम एक कम्युनिटी में एज एन इंडिविजुअल रहते हैं, तो हमारे अंदर आता है, ये थ्रू कम्युनिटी आता है। अब लॉ का काम क्या है एज पर इंटरेस्ट थ्योरी, कि इनमें से जो ए विल है या बी है, तो इनमें से कुछ विल को सिलेक्ट करे और उसको लीगल प्रोटेक्शन दे। सो ये होता है लॉ का मेन पर्पस, जो कि हर इंडिविजुअल के पास, अगर हर ये कुछ कॉमन विल होंगे जो हर इंडिविजुअल के होंगे, तो इसको हमें सिलेक्ट करके प्रोटेक्शन देना है, ये लॉ का काम है, इसको इंटरेस्ट थ्योरी बोलते हैं। तो ये सपोर्ट किया था आयरिंग, ही वॉज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी, एंड सैलमन ने, और ग्रे ने पार्शियली सपोर्ट किया था। ग्रे सपोर्टेड बोथ द थ्योरीज, ग्रे ने विल थ्योरी को भी सपोर्ट किया था एंड ग्रे ने इंटरेस्ट थ्योरी को भी सपोर्ट किया था। सो आयरिंग का कहना था कि लॉ हैज अ पर्पस टू प्रोटेक्ट सर्टेन इंटरेस्ट एंड नॉट द विल और द असर्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो लॉ का पर्पस है कि हमें इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, सोसाइटी का, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के विल को प्रोटेक्ट नहीं करना है। ये आयरिंग का कहना था। नेक्स्ट देखते हैं, सैलमन ने भी डेफिनेशन दिया था। सैलमन ने कहा था कि मेन पर्पस क्या होता है, इनफोर्सिएबिलिटी जो है ना, ये नेसेसरी एलिमेंट है बिहाइंड अ राइट टू बी कॉल्ड एज लीगल राइट। अगर हमें किसी राइट को लीगल राइट बोलना है, तो उसके लिए मेन चीज क्या आता है कि इनफोर्सिएबल है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा मॉरल राइट्स में, मॉरल राइट्स आर नॉट इनफोर्सिएबल, वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से गवर्न होता है। मेरा कोई मॉरल राइट नहीं है, मुझे कोई भी सैंक्शन नहीं होगा अगर मैं किसी डूबते हुए पर्सन को ना बचाऊं, अनलेस एंड अंटिल आई हैव दैट लीगल ड्यूटी टू सेव दैट पर्सन। सो एज पर सैलमन, इनफोर्सिएबिलिटी नेसेसरी एलिमेंट है किसके लिए, इनफोर्सिएबिलिटी नेसेसरी एलिमेंट है फॉर राइट टू बिकम अ लीगल राइट। उनका कहना था कि राइट्स आर कंसर्न विद इंटरेस्ट एंड इंडीड हैव बीन डिफाइंड एज इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ राइट, दैट इज बाय मॉरल और लीगल रूल्स। तो रूल ऑफ राइट का हमने मतलब देखा कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा विच इज इन्फोर्सिएबल बाय जुडिशियल डिसीजन। मतलब रूल ऑफ राइट आपका जो भी इंटरेस्ट है, मैंने जो भी इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया, मेरा इंटरेस्ट या मेरा लीगल राइट, ये इन्फोर्सिएबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, एंड ये करेक्ट होना चाहिए लीगली भी और मॉरली भी, ये लीगल और मॉरली करेक्ट होना चाहिए। सो ये था इंटरेस्ट थ्योरी। बट अगर हम दोनों थ्योरीज को बहुत ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये दोनों थ्योरीज कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, क्योंकि आप समझिएगा इस पॉइंट को, ये दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों एक दूसरे को बल्कि कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। सो कैसे, विल थ्योरी कहता है कि ह्यूमन का विल को प्रोटेक्ट करना है। अब हर ह्यूमन का विल किसी ना किसी इंटरेस्ट की तरफ डायरेक्टेड होता है, हर ह्यूमन का विल किसी ना किसी इंटरेस्ट की तरफ डायरेक्टेड होता है, और इंटरेस्ट थ्योरी का कहना है कि हमें इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इस इंडिविजुअल विल को नहीं प्रोटेक्ट करके हमें इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। मान लो ए पर्सन का विल है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस इंटरेस्ट,
बी पर्सन का भी विल है, उसके चार पांच विल है, उसमें से एक विल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस इंटरेस्ट। सेम इज सी पर्सन, उसका भी चार पांच विल है, एक विल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस इंटरेस्ट। तो हमारा लॉ का काम है इस सारे इंडिविजुअल विल्स को ना फुलफिल करते हुए एक जो कॉमन इंटरेस्ट है विच इज बोथ लीगली एंड मोरली करेक्ट, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग ईच एंड एवरी सिंगल विल, क्योंकि उससे क्योस होगा सोसाइटी में। सो दोनों थ्योरीज मोर और लेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। सो ये क्लियर हुआ अब तक कि दोनों थ्योरीज क्या बोलती है, विल थ्योरी का मतलब क्या है, इंटरेस्ट थ्योरी का मतलब क्या है, एंड कौन से जूरस ने किस थ्योरी को प्रोपाउंड किया है। सो नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ राइट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड वट इज परफेक्ट राइट। काइंड्स में हम पहले देखते हैं परफेक्ट राइट क्या होता है। तो परफेक्ट राइट का करस्पॉन्डिंग होता है परफेक्ट ड्यूटी, ये रेकग्नाइज्ड और इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है। अगर इसका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में एक्शन ले सकते हैं, दिस इज परफेक्ट राइट। अगर मैं इम्परफेक्ट राइट की बात करूं तो इसका इट करस्पॉन्ड्स विद अ इम्परफेक्ट ड्यूटी, इट इज नॉट रेकग्नाइज्ड बाय लॉ एंड इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर इसका वायलेशन भी होता है तो वी कैन नॉट इन्फोर्स इट इन कोर्ट ऑफ लॉ। पहले की एग्जाम्पल से समझते कि एक्चुअली परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट होता क्या है। तो सपोज एक क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर ने मुझे 10,000 रुपए उधार दिए, 1,000 तो बहुत छोटा हो गया, एनीवेज मतलब 1,000 10,000 सब उधार उधार होता है। सो क्रेडिटर ने मुझे 10,000 रुपए उधार दिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि क्रेडिटर के पास एक परफेक्ट राइट है कि वो ये 10,000 रुपए मुझसे ले सके, मुझसे रिकवर कर सके, एंड मेरी एक परफेक्ट ड्यूटी है कि मुझे उसे पे बैक करना है, ये 10,000 रुपीज उसे पे बैक करना है, ये मेरी एक परफेक्ट ड्यूटी है। अब इम्परफेक्ट राइट समझते हैं, जैसे कि टाइम बार्ड डेट, टाइम बार्ड डेट्स। अच्छा यू टेल मी इन कमेंट बॉक्स कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम बार्ड डेट्स। सो इन केस यू डू नॉट नो दिस कंसेप्ट तो मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी कि व्हाट इज टाइम बार्ड डेट्स, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एक छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा टाइम बार्ड डेट है, कौन सा टाइम बार्ड डेट नहीं है। सो डू टेल मी कि आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम बार्ड डेट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम बार्ड डेट्स या फिर वेजरिंग अग्रीमेंट, अगर मैं इनकी बात करूं, सो ये क्या है, ये एक इम्परफेक्ट राइट क्रिएट करता है। अगर मैंने और एक्स पर्सन ने वी एंटर्ड इनटू अ वेजरिंग अग्रीमेंट कि आज अगर बारिश होगी तो हम मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, अगर नहीं होगी तो तुम मुझे 100 रुपए देना, ऐसा था। तो ये वेजरिंग हुआ, हमने एक सट्टा लगाया, वेजरिंग अग्रीमेंट हुआ। अब यहाँ पर जो ड्यूटी बनी ये इम्परफेक्ट बनी, क्यों, क्योंकि हम वेजरिंग अग्रीमेंट ये टाइम बार डेट को कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं। ये कोर्ट ऑल्दो लॉ रेकग्नाइज करता है बट ये इन्फोर्सिएबल नहीं होता, इट इज नॉट इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज परफेक्ट राइट एंड व्हाट इज इम्परफेक्ट राइट। तो अगर एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा राइट है तो आप बता सकोगे उसको। ओके सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। तो राइट इन रेम हमें पता है क्या होता है, इट इज अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। जैसे कि लॉ ऑफ क्राइम्स में अगर कोई क्राइम हुआ है तो वहां पे स्टेट पार्टी बनता है, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि क्राइम हैपेंड अगेंस्ट सोसाइटी। या फिर मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, मेरे पास एक लैंड है एंड मेरे पास एक राइट है, तो वहां पर मेरे पास एक राइट आता है कि कोई भी मेरे लैंड में ट्रेसपास नहीं करेगा। ये राइट मेरा अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है। सो ये हो गया राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम की अगर बात करें तो राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है। जैसे कि क्रेडिटर वाला एग्जाम्पल था कि क्रेडिटर ने मुझे 10,000 रुपए दिए, तो अब क्रेडिटर का राइट टू रिकवर दिस 10,000 रुपीज इज ओनली अगेंस्ट मी, वो सिर्फ मुझसे ही रिकवर कर सकता है, वो किसी और से रिकवर नहीं कर सकता है। वो आपको आके नहीं बोलेगा कि मेरे 10,000 रुपए दो। सो इट इज ओनली अगेंस्ट मी। तो ये एग्जाम्पल हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, दिस इज राइट इन पर्सोनम, ये एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल राइट्स एंड प्रोप्राइटरी राइट्स। तो पर्सनल राइट्स क्या होते हैं,
ये एक ऐसी राइट होता है जो रिलेट करता है किसी पर्सन के वेल बीइंग या स्टेटस से, उसका स्टेटस क्या है, एंड ये अफेक्ट करता है किसी का कैरेक्टर, लिबर्टी या स्टेटस इन सोसाइटी। मेरा सोसाइटी में क्या स्टेटस है, मेरा क्या गुडविल है, वो होता है पर्सनल राइट कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरा रेपुटेशन क्या है सोसाइटी में। और अगर प्रोप्राइटरी राइट की मैं बात करूं तो ये किसी पर्सन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। मेरा स्टेटस इज डिफरेंट थिंग, मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है, वैल्यूएबल्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं, लैंड्स, शेयर्स, जो भी चीजें हैं, वो सब आएगी प्रोप्राइटरी राइट्स में। एंड वेल्थ, मेरा बेसिकली जो भी वेल्थ है, विच कंसिस्ट ऑफ थिंग्स, एसेट्स इन पोजेशन और ओनरशिप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लैंड, डेट्स एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं, मैंने किसी को उधार दिया है तो वो भी मेरा एक एसेट हो गया। तो ये सारी चीजें आएंगी इन प्रोप्राइटरी राइट्स। अब पर्सनल राइट्स ये कोई और इनहेरिट नहीं कर सकता है। मेरा स्टेटस, मेरा रेपुटेशन इज माइंड, कोई और इसको इनहेरिट नहीं कर सकता है। इट डाइज विथ ओनर, ये राइट, पर्सनल राइट, इट डाइज विथ ओनर, एंड ये ट्रांसफरेबल भी नहीं होता है। अब अगर प्रोप्राइटरी राइट की मैं बात करूं तो ये इनहेरिट किया जा सकता है। ये मैं, मेरे जो भी एसेट्स हैं, मैं उसे दे सकती हूँ मेरे नेक्स्ट जनरेशन को, या विल बना करके किसी भी एक्स पर्सन को ये इनहेरिट किया जा सकता है। एंड ये सरवाइव करता है अपने ओनर को। मेरे मेरे जो एसेट्स हैं या मेरा जो वेल्थ है, इवन इफ आई डाई, इट विल बी देयर, इट विल बी प्रेजेंट, एंड ये ट्रांसफरेबल है क्योंकि हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज राइट इन रे प्रोप्रिया एंड राइट इन रे एलिना। तो इसका मतलब होता है कि राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी, मेरा जो भी प्रॉपर्टी है उसमें मेरे जो भी राइट्स हैं उसको मैं बोलूंगी राइट इन रे प्रोप्रिया एंड राइट इन रे एलिना, कि मेरे प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी नहीं है, आपका प्रॉपर्टी है, बट आपके प्रॉपर्टी में जो मेरा राइट है उसको मैं बोलूंगी राइट इन रे एलिना, मतलब इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। जैसे कि इजमेंट्री राइट्स होता है, इजमेंट्री राइट्स हमने पढ़ा है, सीपीसी में भी पढ़ा है। आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इजमेंट्री राइट्स? तो आई विल गेट बैक टू यू विद करेक्ट आंसर्स कि इजमेंट्री राइट क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज वेस्टेड राइट एंड कंटिंजेंट राइट। अगेन हमने पढ़ा है कि व्हाट इज वेस्टेड राइट, व्हाट इज कंटिंजेंट राइट। सो अगर अब हम इसको समझे कि वेस्टेड राइट मतलब व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ व्हिच इज नेसेसरी टू क्रिएट और वेस्ट द राइट हैव हैपेंड, मतलब जो भी चीजें जरूरी थी एक राइट को मुझ में वेस्ट करने के लिए। हमने ये पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, अनबॉर्न चाइल्ड के केस में वेस्टेड राइट, कंटिंजेंट राइट, अगर आपको याद हो तो हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में इसको पढ़ा था। अगर वेस्टेड राइट की मैं बात करूं तो जो भी एक्स वाई जेड, जो भी चीजें जरूरी है, जो भी कंडीशन जरूरी है एक राइट को मुझ में वेस्ट करने के लिए, मतलब मेरा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होने के लिए, वो सारी चीजें हो चुकी है, वो सारे कंडीशन फुलफिल हो चुके हैं, एंड फाइनली ये राइट मुझ में वेस्ट करती है। दिस राइट इज वेस्टेड एंड मी, मेरा हो गया है वो राइट। अब कोई और हैपनिंग का मैं वेट नहीं कर रही हूँ कि ये सिचुएशन होगा तब ये राइट मुझे मिलेगी। सो इट क्रिएट इमीडिएट इंटरेस्ट, मेरा इमीडिएट इंटरेस्ट आ गया है, अब वो मेरा है, मैं जो भी उसके साथ करूँ। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबल होता है और इनहेरिट किया जा सकता है, उसको हम आगे भी पास ऑन कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने विल के थ्रू किसी भी तरह से हम उसको पास ऑन कर सकते हैं। अब कंटिंजेंट राइट की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक्स वाई जेड तीन सिचुएशन पूरे होने थे, एक्स हो गया, वाई हो गया, बट जेड नहीं हुआ, तो कंटिंजेंट राइट क्या होता है कि इफ सम ऑफ द फैक्ट्स आर अकर्ड देन द राइट इज कंटिंजेंट, मतलब कि ये एक एक फैक्टर अभी भी बचा है जो कंप्लीट नहीं हुआ है बिफोर द राइट फाइनली वेस्ट इन मी। ऐसे राइट अभी कंटिंजेंट होंगे, ये फैक्टर, ये जेड फैक्टर, ये कंप्लीट हो रहा है या नहीं उस पे डिपेंड करेगा कि वो फाइनली राइट मेरा होगा या नहीं होगा। सो डज नॉट क्रिएट इमीडिएट इंटरेस्ट, जब ये एक्स फैक्टर, जेड फैक्टर ये होगा उसके बाद ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और जब मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बना है तो मैं इसको ट्रांसफर कैसे करूंगी, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल हो गया एंड इनहेरिट भी नहीं हो सकता। जो मेरा नहीं है मैं वो किसी और को नहीं दे सकती, तो वो इनहेरिटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज लीगल राइट एंड इक्विटेबल राइट। तो लीगल राइट क्या हो गया,
इन्फोर्स्ड ऑटोमेटिकली ऑन प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. जैसे अगर हमने बस प्रूफ कर दिया कि ये लीगल राइट है, लॉ में बाई स्टैट्यूट एग्जिस्ट करता है, तो इट कैन बी इन्फोर्सिएबल. एंड कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है लीगल राइट और इक्विटेबल राइट में, तो हमेशा लीगल राइट प्रिवेल करता है. अब देखते हैं क्यों. तो इक्विटेबल राइट क्या होता है, इक्विटेबल राइट कैसे एग्जिस्टेंस में आता है, ये इंग्लिश लीगल सिस्टम का क्रिएशन है. इंडिया में ऐसा कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कि लीगल राइट इक्विटेबल राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये इंग्लिश लीगल सिस्टम का है एंड ये बेस्ड है ऑन रूल ऑफ इक्विटी पे. ये इक्विटी पे बेस्ड है और इसका इन्फोर्समेंट, कोई जरूरी नहीं कि कोर्ट इसको इन्फोर्स करे, ये कोर्ट के डिस्क्रीशन पे डिपेंड करता है. अगर कोर्ट को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से लगता है कि वहां पे होना चाहिए तो कोर्ट विल इन्फोर्स, अदरवाइज कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स. कोर्ट इज नॉट बाउंड, जैसा कि लीगल राइट्स में कोर्ट बाउंड है. स्टैट्यूट ने ही अगर बताया है किसी, ये एक राइट है जो वाया सम स्टैट्यूट हमारे ऊपर कॉन्फर किया गया, तो अगर स्टैट्यूट नहीं बताया तो कोर्ट इज बाउंड टू प्रोटेक्ट दिस राइट. बट इक्विटेबल राइट के केस में एक कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है. हेंस कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है अगर लीगल राइट एंड इक्विटेबल राइट के बीच में, तो हमेशा लीगल राइट विल प्रिवेल ओवर इक्विटेबल राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट इज एंटीसिडेंट राइट एंड रेमेडियल राइट. अब ये क्या होता है, एंटीसिडेंट राइट एंड रेमेडियल राइट. तो राइट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर राइट एंड फॉर इट्स ओन सेक. तो एंटीसिडेंट राइट ऐसे राइट्स होते हैं जो कि किसी और राइट पे डिपेंडेंट नहीं होते और फॉर इट्स ओन सेक दे एग्जिस्ट. बट रेमेडियल राइट क्या होते हैं, व्हेन अ राइट इज जॉइंड टू एंटीसिडेंट राइट्स, देन सो जॉइंड राइट्स इज कॉल्ड रेमेडियल राइट्स. मतलब कि अगर हमने एंटीसिडेंट राइट में कोई और राइट ऐड कर दी, तो इस एडेड राइट को हम क्या बोलेंगे, रेमेडियल राइट. एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आई नो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा. थोड़ा एक और फीचर इसका देख लेते हैं. इसका एक और फीचर क्या है कि देयर आइदर इन रेम या इन पर्सोनम. ये अगेंस्ट द होल वर्ल्ड भी हो सकता है या किसी पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है. अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा एंटीसिडेंट राइट और रेमेडियल राइट क्या होता है, क्योंकि बाकी सारे राइट्स तो बहुत इजी थे, हमने ऑलमोस्ट सब अपने अंडर ग्रेड्स के टाइम पे पढ़ा है, तो हमें कहीं ना कहीं याद आ रहा है, रिकलेक्ट हो रहा है. बट ये क्या है नया. सो सपोज मेरा राइट टू डेफेमेशन है, ठीक है, कि कोई मुझे डिफेम नहीं कर सकता है, कोई मुझे डिफेम नहीं कर सकता है. अब एक्स पर्सन आया, इसने मुझे डिफेम कर दिया, ठीक है, एक्स पर्सन आया, इसने मुझे डिफेम कर दिया, तो इस एक्स पर्सन के अगेंस्ट अब मैं कंपनसेशन ले सकती हूँ. आई कैन क्लेम कंपनसेशन, क्योंकि इसने मुझे डिफेम किया है, सो आई कैन ऑलवेज क्लेम कंपनसेशन. अब इस एक्स पर्सन के अगेंस्ट मेरा क्या राइट बना, राइट टू क्लेम कंपनसेशन. तो ये मेरा राइट, राइट टू डिफेमेशन हो गया, राइट अगेंस्ट डिफेमेशन, ये मेरा हो गया एंटीसिडेंट राइट, और ये कंपनसेशन क्लेम करने वाला हो गया मेरा रेमेडियल राइट. सो ये कुछ काइंड थे राइट के. आई होप आपको समझ में आया हो. कोई काइंड में अगर अभी भी डाउट है तो यू डू लेट मी नो कि ये काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ राइट वॉज नहीं क्लियर हुआ, या फिर ये नहीं समझ में आया, इसका और एग्जाम्पल चाहिए, तो आई विल शेयर इट इन पीडीएफ फॉर्मेट विथ यू. ओके, सो आगे अब डिस्कस करते हैं कि ड्यूटीज क्या होती हैं. अब हमने राइट्स देख लिया, काइंड्स देख लिया, अब देखते हैं ड्यूटीज क्या होती है, देन विल मूव ऑन टू हॉफल्ड एनालिसिस ऑफ राइट. तो लेट्स सी कि ड्यूटीज क्या होती है. तो लीगल राइट तो हमने समझा, अब थोड़ा समझते हैं कि व्हाट इज ड्यूटी. तो ड्यूटी एक ऑब्लिगेटरी एक्ट होता है. राइट हमारा इंटरेस्ट है, तो ड्यूटी एक ऑब्लिगेटरी एक्ट है, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, जिसमें हमसे कोई एक्ट करना हो हमारी ड्यूटी, या फिर हमें नहीं करना हो, ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. नेक्स्ट, सैलमन ने यहाँ पर डेफिनेशन दिया था ड्यूटी का, कि अ ड्यूटी इज एन एक्ट विच एवरी सिटीजन हैव ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म इन फर्दरेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ अदर पीपल. मतलब ड्यूटी क्या है, ड्यूटी एक एक्ट है ऐसा जो कि हर पर्सन इज ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म इन फर्दरेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ अदर पीपल. एंड ग्रे ने कहा कि द एक्ट ऑफ फॉरबियरेंस व्हिच एन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी कमांड्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट लीगल राइट्स आर लीगल ड्यूटीज ऑफ पर्सन टू हुम दोज कमांड्स आर डायरेक्टेड. तो बेसिकली हमने किसी राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्ट किया, जो ड्यूटी करस्पॉन्डिंग हमारी बनती है, उसको एक राइट को
प्रोटेक्ट करने के लिए कोई करस्पॉन्डिंग एक्ट किया, ठीक है, कोई करस्पॉन्डिंग एक्ट किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट या फर्दर दिस राइट, इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कोई एक्ट किया, तो वो हो गया हमारा ड्यूटी। यही कहना है सैलमेंड और ग्रे का कि इस राइट के लिए हम जो भी चीजें करते हैं, सामने वाला पर्सन जो भी चीजें करता है, वो उसकी हो गई करस्पॉन्डिंग ड्यूटी। सो यहाँ पर डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो सैलमेंड एंड वो ग्रे का इंपॉर्टेंट है। ये हो गया राइट्स एंड ड्यूटीज का डिस्कशन। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज हॉफेल्ड एनालिसिस ऑफ राइट्स एंड स्कीम ऑफ जूरल रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि 2020 में 10 क्वेश्चंस थे हॉफेल्ड एनालिसिस से, एंड नॉट ऑन ओनली क्लैट, सारे एलएलएम एग्जामिनेशन में, इवन जुडिशियरी एग्जामिनेशन में, हर एग्जाम में, अब आप जिसमें भी अपेयर करोगे, जूरिसप्रूडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एंड हॉफेल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहां से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो हॉफेल्ड एनालिसिस। एंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हर किसी को अपने अंडर ग्रेजुएट डेज में इसमें कंफ्यूजन होता है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं बहुत ईजी वे में आपको समझाने वाली हूँ कि हॉफेल्ड ने बेसिकली क्या एनालाइज किया था एंड क्या उनका कंसेप्ट था ड्यूरल रिलेशन का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हॉफेल्ड ने कहा कि हम सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं कि हम राइट को इन चार चीजों के इक्वल समझ लेते हैं। हमें लगता है कि राइट का ये चार सिनोनिम्स है, मतलब राइट इज सेम एज कोई क्लेम, प्रिविलेज, पावर या इम्यूनिटी। बट हॉफेल्ड का कहना था कि नहीं, ये चारों हॉफेल्डियन इंसिडेंट्स है, ये चारों क्या है, हॉफेल्डियन इंसिडेंट है, इट इज नॉट सेम एज राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हॉफेल्ड ने 8 फंडामेंटल लीगल कंसेप्शन दिए कि हमें अगर ड्यूरल रिलेशन समझना है, हमें राइट को एनालाइज करना है, तो हमें ये 8 फंडामेंटल कंसेप्शन देखने होंगे जो हमारे लिए बेस है, कोर है। तो क्या क्या बोला, राइट, ड्यूटी, नो राइट, प्रिविलेज, पावर, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड इम्यूनिटी। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अभी आगे समझेंगे, बट पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि बेसिक कंसेप्ट क्या। अब ये सारे का क्या डेफिनेशन दिया था हॉफेल्ड ने, ये भी हम आगे समझेंगे। सो 8 लीगल कंसेप्शन एज पर हॉफेल्ड क्या है, राइट, ड्यूटी, नो राइट, प्रिविलेज, पावर, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी एंड इम्यूनिटी। अब हॉफेल्ड ने कहा जूरल कोरिलेटिव्स, हॉफेल्ड ने कंसेप्ट दिया जूरल कोरिलेटिव्स का, कहा कि इन 8 कंसेप्शंस में अब जूरल कोरिलेटिव्स होते हैं जो कि हमेशा साथ एग्जिस्ट करते हैं, विच मस्ट एग्जिस्ट टुगेदर। क्या है, राइट के साथ एग्जिस्ट करेगा ड्यूटी, प्रिविलेज के साथ एग्जिस्ट करेगा नो राइट, पावर के साथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा लाइबिलिटी, और इम्यूनिटी के साथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा डिसेबिलिटी। तो ये सारे हैं जूरल correlatives, और ये हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे, राइट के साथ ड्यूटी, प्रिविलेज के साथ नो राइट, पावर के साथ लाइबिलिटी एंड इम्यूनिटी के साथ डिसेबिलिटी। अगेन कैसे एग्जिस्ट करेगा ये मैं आपको बताऊंगी इसके आगे, सो होल्ड ऑन, बट अभी हम सब एक बेसिक कंसेप्ट समझ रहे कि किसने क्या कहा, अब क्यों कहा ये भी समझेंगे। आगे देखते हैं, जूरल अपोजिट्स में हॉफेल्ड ने कहा कि जूरल अपोजिट्स ऐसे होते हैं जो साथ में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। अब जूरल अपोजिट क्या होते हैं कि राइट के साथ कभी नो राइट एग्जिस्ट नहीं करेगा, प्रिविलेज के साथ ड्यूटी एग्जिस्ट नहीं करेगी कभी, पावर के साथ डिसेबिलिटी और इम्यूनिटी के साथ कभी लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इम्यूनिटी के साथ कभी लायबिलिटी, दीज टू दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ये क्या है, ये है जूरल अपोजिट्स हमारे, ये हो गए जूरल अपोजिट, क्योंकि ये कभी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो ये हो गया जूरल अपोजिट्स का। अब हॉफेल्ड के इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इलाबोरेट किया जीएल विलियम ने, हॉफेल्ड के इस कंसेप्ट को थोड़ा सा इलाबोरेट किया जीएल विलियम ने, और यहां पर जीएल विलियम ने कहा, जीएल विलियम ने बेसिकली ये एक टेबल बनाया, एक चार्ट बनाया, जहां पर उनके वर्टिकल लाइन का मतलब होता है जूरल कोरिलेटिव्स जो हमने पढ़ा,
डायगोनल लाइन का मतलब होता है जूरल अपोजिट्स, जो हमने देखा हॉफर ने दिया, एंड दे ऑल ही ऑल्सो एडेड जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी. क्या ऐड किया? जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी. वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है? वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो वर्टिकल लाइन से इस चार्ट में जो भी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है वो है जूरल कोरिलेटिव्स. डायगोनल लाइन से जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो है जूरल अपोजिट्स, और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो चीजें दिख रही हैं जैसे कि ये, वो हो गया जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी. मैं सब अभी समझाऊंगी, जस्ट होल्ड ऑन. पहले कंसेप्ट, हम पहले किसने क्या कहा है वो देखेंगे, फिर क्यों कहा है वो देखेंगे, ठीक है. सो जी एन विलियम ने कहा कि राइट का कोरिलेटिव ड्यूटी होता है, वैसे लिबर्टी का प्रिविलेज होता है, ठीक है. लिबर्टी का नो राइट होता है, एंड ये राइट और लिबर्टी एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है. ड्यूटी और नो राइट कॉन्ट्राडिक्टरी है. जो जी एन विलियम ने फर्दर हॉफिल्ड का जो टेबल था उसको फर्दर थोड़ा सा एनहांस कर दिया, वहां पे ही एडेड जूरल कॉन्ट्राडिक्टरीज एज वेल. और जो सेम चीज है हॉफिल्ड ने बोली थी कि राइट एंड नो राइट आर जूरल अपोजिट्स, ड्यूटी एंड लिबर्टी आर अपोजिट्स, सेम यहाँ पर भी पावर, इम्यूनिटी, लाइबिलिटी एंड डिसेबिलिटी में भी यही चीज किया कि पावर का जूरल कोरिलेटिव है लाइबिलिटी, एंड अपोजिट है डिसेबिलिटी, और कॉन्ट्राडिक्टरी है इम्यूनिटी, एंड सेम चीज बाकी सबके साथ भी. तो ये कहा. अब हम धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट समझते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ राइट फर्स्ट, कि राइट, जूरल राइट्स, यहाँ पे राइट से क्या कहना. तो एक एक करके हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट समझते हैं, और ये समझते हैं ये टेबल को फाइनली, ये इतना जो मैसअप हो गया, ये टेबल क्या था, पिछला वाला टेबल क्या था, हॉफिल्ड का टेबल क्या था, वो सब धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले समझते हैं वॉट इज राइट एंड ड्यूटी. तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि दोज इंटरेस्ट विच द लॉ प्रोटेक्ट्स बाय इम्पोजिंग ड्यूटीज विथ रेस्पेक्ट टू देम ओवर अदर. राइट इन स्ट्रिक्ट सेंस इज क्लेम, एंड अ क्लेम इज अ साइन दैट सम पर्सन ऑट टू बिहेव इन अ सर्टन वे. अब इसको थोड़ा समझते हैं. पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत मतलब बहुत क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको सब अच्छे से क्लियर होगा. सो सबसे पहले सपोज ए है, ए के पास क्या है, ए के पास एक लैंड है. अब ए के पास क्या राइट बना कि कोई और इस लैंड पे ट्रेसपास नहीं करेगा. तो यहां पर बहुत नैरो मीनिंग यूज किया गया, बहुत स्ट्रिक्ट डेफिनेशन दिया गया. ये कहा गया कि ए का क्लेम बनता है कि मेरे लैंड पे कोई ट्रेसपास नहीं करेगा, ये मेरा क्लेम है. अब मैंने यहां पे क्या किया, कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन को फॉरबियर किया, मना किया कि यू विल नॉट एंटर माई लैंड, यू विल नॉट ट्रेसपास माई लैंड. तो मेरा राइट या मेरा क्लेम क्या है, मेरा राइट या मेरा क्लेम है राइट अगेंस्ट ट्रेसपास, कोई और मेरे लैंड पे नहीं आएगा. सामने वाले का क्या ड्यूटी बना कि तुम मेरे लैंड पे नहीं आओगे. तो दोज इंटरेस्ट विच लॉ प्रोटेक्ट बाय इम्पोजिंग ड्यूटीज विथ रेस्पेक्ट टू देम ओवर अदर. इंटरेस्ट क्या है लैंड पे कि कोई और मेरे परमिशन के बिना नहीं आए. ड्यूटी क्या डाली दूसरे पे कि तुम बिना परमिशन के नहीं जाओगे. तो ऐसा इंटरेस्ट जो कि लॉ ने प्रोटेक्ट किया, ये लॉ ने प्रोटेक्ट किया है ट्रेसपास का इंटरेस्ट कि मेरे लैंड में बिना परमिशन कोई नहीं आएगा. सो प्रोटेक्टेड बाय लॉ, और ड्यूटी इंपोज हुई दूसरे पे विथ रेस्पेक्ट टू देम ओवर अदर. ये हुआ और ये क्लेम हुआ. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ए ने एक रूम रेंट पे दिया बी को, ठीक है. ए का यहाँ पे क्या राइट बना इस रूम के लिए, रेंट लेने का. मेरा राइट है ए का कि मैं रेंट लूं इस रूम के लिए. बी का क्या ड्यूटी है, रेंट पे करना. पहले हमें राइट का कंसेप्ट क्लियर हुआ, राइट के साथ साथ क्या चल रहा है, राइट के साथ साथ दूसरे पर्सन की ड्यूटी चल रही है. अगर मेरा राइट है लैंड पे कि कोई ना आए, कोई एंटर ना करे बिना मेरे परमिशन के, तो दूसरे का राइट है कि बिना मेरे परमिशन, दूसरे का करस्पॉन्डिंग ड्यूटी है कि बिना मेरे परमिशन वो एंटर ना करे
या दूसरे का करस्पॉन्डिंग ड्यूटी है कि आपने जो रूम रेंट पे लिया है उसका टाइमली रेंट पे करो। तो ये हो गया। सो यहां पर जूरल कोरिलेटिव क्या है? ड्यूटी। जूरल कोरिलेटिव क्या बना मेरा? ड्यूटी। मेरा राइट है तो सामने वाले का ड्यूटी है। ये क्लियर हुआ? राइट एंड ड्यूटी का कंसेप्ट, इज इट क्लियर? मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि वेदर राइट एंड ड्यूटी का कंसेप्ट यहां पर कोरिलेटिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिविलेज नो राइट, ठीक है। प्रिविलेज या नो राइट, अब डेफिनेशन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वंस फ्रीडम टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट एज वन प्लीजेस। मतलब प्रिविलेज का मतलब क्या हो गया? मेरी मर्जी मैं कोई काम करूं या ना करूं, यहां पर कोई लीगल ड्यूटी मेरे पास नहीं है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। लैंड वाले एग्जाम्पल लेते हैं। एक के पास एक लैंड है। इस लैंड पे क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, उस लैंड का क्या करना है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये सारा डिसीजन ए लेगा, क्योंकि ये ए का लैंड है। इस लैंड पे क्या करना है वो डिसीजन इज ए का डिसीजन। कोई लीगल ड्यूटी ए की नहीं है कि उसको यही काम करना है। मैं कोई थर्ड पर्सन, एक्स वाई जेड, कोई भी थर्ड पर्सन आके उसको नहीं बताएगा कि तुम 12 बजे एकदम अपनी जमीन पर पहुंच जाना। कोई नहीं बताएगा उसको। ये ए का डिसीजन है कि उसको 12 बजे जाना है, उसको 1 बजे जाना है, उसको 2 बजे जाना है। ये उसका प्रिविलेज हो गया। ये अब समझते हैं, कंसिस्ट ऑफ वंस फ्रीडम। ये उसका फ्रीडम है, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरी फ्रीडम है कि मैं काम करूं ना करूं, जैसा मेरा मर्जी होगा, एज वन प्लीजेस। यहां पर कोई लीगल ड्यूटी नहीं है। इसका जूरल कोरिलेटिव क्या बनता है? इसका जूरल कोरिलेटिव बनता है नो राइट। मेरा प्रिविलेज है, मेरा कोई ड्यूटी नहीं है, तो किसी और का कोई राइट भी नहीं होगा। जैसा हमने देखा था ना, एक्स का कोई राइट होता तब ना मेरे पास कोई ड्यूटी आती। हमने देखा था ना, अगर एक्स का इस लैंड पे कोई राइट होता, पिछले वाले कंसेप्ट में हमने देखा था राइट एंड ड्यूटी वाले में, एक्स का कोई यहाँ पे राइट होता इस लैंड पे तब वो मेरे पे ड्यूटी लगाता। एक्स का तो कोई राइट ही नहीं है, तो यहाँ पर कोई राइट नहीं होता है। जूरल कोरिलेटिव हो गया इसका कि नो राइट, किसी और पर्सन में कोई राइट इसका नहीं बना। तो आपने समझा राइट, ड्यूटी, प्रिविलेज और नो राइट का। अब इसको थोड़ा सा जो हमने स्टार्ट में टेबल डिस्कस किया था ना, उसमें समझेंगे कि अपोजिट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है व्हेन इट कम्स टू राइट, ड्यूटी एंड नो राइट एंड प्रिविलेज में। तो ये थोड़ा सा समझते कि जो टेबल हमने बनाया था विलियम्स का, जीएल विलियम्स के टेबल को जो हमने समझा था, हॉफिल्ड हॉफिल्ड का टेबल, आपको थोड़ा सा कोरिलेटिव वाला क्लियर हो गया होगा कि राइट के साथ आती है ड्यूटी, प्रिविलेज के साथ आता है नो राइट। अब थोड़ा सा अपोजिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी भी समझते हैं। जूरल अपोजिट्स में क्या है? राइट इज द एब्सेंस ऑफ नो राइट इन वन सेल्फ, ड्यूटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन वन सेल्फ, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या है कि राइट इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन अनदर एंड ड्यूटी इज द एब्सेंस ऑफ नो राइट इन अनदर। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। क्या मतलब है? आप ये टेबल देख रहे होंगे, हमने जीएल विलियम्स का जो टेबल डिस्कस किया था वहां पर, जिसमें वी हैड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डायगोनल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या हम ये कंसेप्ट समझ के कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जूरल कोरिलेटिव। वर्टिकल लाइन क्या था? जूरल कोरिलेटिव, कि एक है तो दूसरा एग्जिस्ट करेगा, एक है तो दूसरा एग्जिस्ट करेगा। तो अगर राइट है तो ड्यूटी विल एग्जिस्ट, ड्यूटी है तो राइट विल एग्जिस्ट। ये हमने अभी पढ़ा कि राइट है तो ड्यूटी एग्जिस्ट करेगा, ड्यूटी है तो राइट एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया? अब राइट है, ठीक है, मेरे पास राइट है, तो राइट इज द एब्सेंस ऑफ नो राइट इन वन सेल्फ। पहले ये कंसेप्ट देखते हैं कि राइट है तो सामने वाले की ड्यूटी होगी, तो ये हमेशा अदर पर्सन का होगा। अगर मेरे पास राइट है तो अदर पर्सन विल हैव ड्यूटी, ठीक है। मेरी राइट मतलब अदर पर्सन की ड्यूटी। जूरल अपोजिट क्या है कि अगर मेरा राइट है तो मेरे पास नो राइट नहीं होगा। दैट मींस कि मेरा तो राइट है ना, तो नो राइट तो हो ही नहीं सकता है मेरे पास। मतलब आई ऑलरेडी हैव अ राइट, तो नो राइट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये दोनों कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जूरल अपोजिट का मतलब। तो ये जो नो राइट होता है, ये जूरल अपोजिट होता है, ये
सामने वन सेल्फ में होता है, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट मी, ड्यूटी दूसरे पर्सन की बात हम कर रहे हैं, बट जूरल कोर जूरल अपोजिट्स में हम अपनी बात कर रहे हैं कि मेरे पास राइट है तो मेरे पास नो राइट नहीं होगा, बट जूरल कोरिलेटिव्स में वी टॉक अबाउट कि मेरे पास राइट है तो अदर पर्सन की ड्यूटी होगी. नेक्स्ट देखते हैं जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन अनदर, राइट इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन अनदर, मतलब कि मेरे पास राइट है तो दूसरे के पास प्रिविलेज नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रिविलेज का क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि प्रिविलेज, अगर मेरा प्रिविलेज है, ठीक है, जैसे मेरा मेरा मैंने पढ़ा था कि लैंड है, इस लैंड पे मैं कभी भी जाऊं कुछ भी करूं कोई मुझे नहीं बोल सकता है, मेरे किसी और के तरफ कोई लीगल ड्यूटी नहीं बन रही है, लीगल ड्यूटी नहीं बन रही है दैट मीन्स किसी भी पर्सन का इस लैंड पे मैं क्या कर रहा हूं इसकी कोई भी राइट नहीं है, किसी भी पर्सन का राइट नहीं है तब मेरी ड्यूटी नहीं बन रही है, राइट? तो अगर राइट है तो प्रिविलेज नहीं होगा, राइट इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन अनदर, किसी और पर्सन के पास कोई प्रिविलेज नहीं होगा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ राइट. अब आप राइट में देखो हमें मिल गया जूरल कोरिलेटिव, जूरल अपोजिट एंड जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी. समझ में आया इतना कि राइट मेरी है तो मेरे पास नो राइट तो हो ही नहीं सकता, ये तो कॉमन सा लग रहा है कि भाई कंसेप्ट ही क्या है, मतलब जूरल अपोजिट ही होगा, मतलब अगर मेरे पास राइट है तो मेरे पास नो राइट कैसे हो सकता है, देन मेरी राइट मींस दूसरे पर्सन की ड्यूटी, ठीक है, अब मेरे पास राइट है तो प्रिविलेज किसी और के पास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रिविलेज का बेसिक कंसेप्ट ही था कि किसी और के पास कोई राइट नहीं होगा, प्रिविलेज में किसी और के पास राइट नहीं है तभी तो मेरी किसी और के पास तरफ कोई ड्यूटी नहीं बनी, तो ये हो गया जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी, ये हमने पढ़ा था कॉन्ट्राडिक्टरी, ये हमने पढ़ा था जूरल कोरिलेटिव, और ये वाला हमने पढ़ा था जूरल अपोजिट्स जीएल विलियम का. राइट के टाइम पे क्लियर हुआ आपको, अब मैं ड्यूटी पे समझाती हूँ, हमने राइट का तो देख लिया अब मैं ड्यूटी का समझाती हूँ, तो ड्यूटी इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज इन वन सेल्फ, ड्यूटी, ठीक है, सबसे पहले ड्यूटी का कोरिलेटिव देखते हैं, ड्यूटी है दैट मीन्स अदर पर्सन की राइट है, अगर मेरे मेरा यहाँ अगर मेरा कोई ड्यूटी है कि मुझे आपको 1,000 रुपए रेंट देने हैं तो दैट मीन्स ना कि यू हैव अ क्लेम कि मुझे उससे 1,000 रुपए लेने, या तो आपने मुझे उधार दिया होगा या मुझे रूम का रेंट देना है, तो मेरी ड्यूटी मतलब सामने वाले की राइट, ठीक है, यू हैव अ क्लेम यू हैव अ राइट ऑन मी, इसलिए मेरी ड्यूटी बन रही है, तो ये हो गया जूरल कोरिलेटिव, मतलब कि ये अगर ड्यूटी है तो राइट एग्जिस्ट करेगा, ये किस में एग्जिस्ट करेगा, ये अदर पर्सन में एग्जिस्ट करेगा, मेरी ड्यूटी मीन्स सामने वाले की राइट, बट मेरी ड्यूटी मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, अगर मेरा कोई ड्यूटी है तो मतलब मेरे पास प्रिविलेज नहीं है, मेरे पास कोई भी प्रिविलेज नहीं है, प्रिविलेज का कंसेप्ट ही था एब्सेंस ऑफ लीगल ड्यूटी, प्रिविलेज का कंसेप्ट ही था कि कोई भी लीगल ड्यूटी मेरी नहीं है, अपने लैंड पे मुझे 12 बजे जाना है मैं 12 बजे जाऊं, मैं 1 बजे जाऊं, मैं 3 बजे जाऊं, मैं जाऊं ही नहीं, ये मेरा मन है, आई विल डू एज आई प्लीज, बट अगर मेरी ड्यूटी है कि मुझे 12 बजे जाना है, अगर ये ड्यूटी बन गई है, ये मुझे एक्स पर्सन जिसका लैंड है उसने मुझे बोला कि भाई तुझे 12 बजे जाना ही है, ये बन गया है, तो उस सिचुएशन में अगर ड्यूटी बन गई है तो प्रिविलेज नहीं होगा, तो ड्यूटी का जूरल अपोजिट क्या हो गया, प्रिविलेज, अब ड्यूटी है तो नो राइट तो हो ही नहीं सकता है, मेरी ड्यूटी मतलब सामने वाले का राइट तो होगा ही होगा, सो ये आ गया ड्यूटी इज द एब्सेंस ऑफ नो राइट इन अनदर, तो नो राइट ये अदर पर्सन में होगा इन केस ऑफ ड्यूटी, और प्रिविलेज मतलब ये मेरे लिए कि मेरे मेरा ड्यूटी है तो मेरे पास प्रिविलेज खत्म, मेरे पास ड्यूटी आई मेरे पास प्रिविलेज खत्म, मेरे पास ड्यूटी है तो सामने वाले के पास नो राइट नहीं होगी, सामने वाले के पास हमेशा राइट होगा, ये क्लियर हुआ कि हमने पहला बॉक्स खत्म कर लिया है, जो भी हमने पहला बॉक्स डिस्कस किया था, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पर लेकर चलती हूँ जो हमने जहां पर डिस्कस किया था, सो ये था हमारा फर्स्ट, अगर आपको याद हो जीएल विलियम्स का, सो फर्स्ट वाले में हमने राइट का ड्यूटी, नो राइट लिबर्टी, ये सारी चीजें अभी डिस्कस कर ली, इसका देख लिया कि किसका
अपोजिट क्या होता है, कोरिलेटिव क्या होता है, ये सब चीजें मैं और प्रीवियस लाइफ पे हॉफल्ड वाले पे आपको लेके चलती हूँ। तो अपोजिट क्या है, राइट का अपोजिट नो राइट, प्रिविलेज का अपोजिट है ड्यूटी, एंड कोरिलेटिव क्या है, राइट का है ड्यूटी, प्रिविलेज का है नो राइट। तो आई होप अब तक आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें, हमने पहला बॉक्स अपना खत्म कर लिया, हमने राइट ड्यूटी प्रिविलेज और नो राइट को क्लियर कर लिया है। आगे बढ़े, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं और बेटर वे में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लेट मी नो कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। आई होप अब तक राइट ड्यूटी प्रिविलेज और नो राइट का कंसेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रिविलेज और नो राइट का। ठीक है, हमने अभी तक डिस्कस किया राइट और ड्यूटी का, अब प्रिविलेज और नो राइट का भी डिस्कस कर लेते। प्रिविलेज और नो राइट का भी तो बना था ना टेबल। सो राइट ड्यूटी प्रिविलेज नो राइट, ठीक है, हमने ये दोनों पार्ट डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रिविलेज इज द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी इन वन सेल्फ। ठीक है, प्रिविलेज इज द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी इन वन सेल्फ, वो सेम चीज, अगर प्रिविलेज है तो ड्यूटी नहीं होगी। अगर मेरे पास कोई प्रिविलेज है तो मेरे पास कोई भी ड्यूटी नहीं है, ये वन सेल्फ में होता है, मतलब मेरी बात हो रही है, बट कॉन्ट्राडिक्टरी में और कोरिलेटिव में हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं, अपोजिट में हम अपने बारे में बात करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी और कोरिलेटिव में हम सामने वाले के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज नो राइट इज द एब्सेंस ऑफ राइट इन वन सेल्फ। पहले प्रिविलेज खत्म करते हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस, प्रिविलेज इज द एब्सेंस ऑफ राइट इन अनदर पर्सन। अगर प्रिविलेज है तो सामने वाले का कोई भी राइट नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लैंड का एग्जाम्पल आप बार बार सोचिए, लैंड के एग्जाम्पल से थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। प्रिविलेज है तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, प्रिविलेज है तो सामने वाले के पास कोई राइट नहीं है, तो सामने वाले का क्या हो गया, नो राइट। ये हो गया जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी कोरिलेटिव, और ये हो गया हमारा जूरल अपोजिट। ये सारे अदर पर्सन में होंगे, राइट नो राइट ये हम अदर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, बट मेरे बारे में हम सिर्फ ड्यूटी की बात किए कि मेरे मेरे पास प्रिविलेज है तो मेरे पास ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट नो राइट का देखते हैं। नो राइट इज द एब्सेंस ऑफ राइट इन वन सेल्फ, मतलब नो राइट है दैट मीन्स कि मेरे पास कोई भी राइट नहीं है। ये तो सबसे इजी कंसेप्ट है कि नो राइट मतलब मेरे पास कोई भी राइट नहीं है, ठीक है, नो राइट इज द एब्सेंस ऑफ राइट इन वन सेल्फ, ये तो सीधा सीधा क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया जूरल अपोजिट, जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी है। नो राइट इज द एब्सेंस ऑफ ड्यूटी इन अनदर, मतलब कि नो राइट है तो सामने वाले के पास कोई ड्यूटी ही नहीं है। फिर अगेन लैंड वाले एग्जाम्पल में साइट करूंगी कि मैं एक्स पर्सन हूं, ठीक है, और ये लैंड ए का है, इस लैंड के तरफ मेरा तो कोई राइट ही नहीं है, तो ए का मेरे तरफ तो कोई ड्यूटी नहीं बना, तो ये हो गया जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी, ये हो गया जूरल अपोजिट। और नो राइट का मतलब होता है कि वहां पर प्रिविलेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हो गया जूरल कोरिलेटिव, कोरिलेटिव एग्जिस्ट करते हैं, अपोजिट्स एग्जिस्ट नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्टरी इज कि एकदम पोल्स अपार्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, हमने ये पूरा का पूरा क्लियर कर लिया, प्रिविलेज नो राइट सारी चीजें। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं डिस्कस करूंगी अब, वो सेकेंड बॉक्स, पावर लाइबिलिटी इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी वाला। तो अब शुरू करते हैं पावर एंड लाइबिलिटी। तो पावर का मतलब क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द एबिलिटी टू एबिलिटी कॉन्फर्ड अपॉन अ पर्सन टू डिटरमाइन द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज और अदर लीगल रिलेशन आइदर ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ अदर पर्सन। वन हैज द पावर देन द अदर हैज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी डिनोट्स द पोजिशन हुज लीगल रिलेशन कैन बी ऑल्टर्ड और प्रोन टू सच ऑल्टरेशन, और जूरल कोरिलेटिव हो गया लाइबिलिटी। अब थोड़ा समझते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे ए, जैसे पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर क्या है कि वो लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है। और एक टी मैन्युफैक्चरर है, कौन है, टी या कॉफी का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के इन पे नया ड्यूटी इम्पोज करे। पार्लियामेंट के पास पावर है, ये एबिलिटी है, एबिलिटी है कि वो एक नया लॉ बना करके इन
इन टी मैन्युफैक्चरर पर एक नया ड्यूटी इम्पोज करे, ये पार्लियामेंट के पास है। अब यहां पर क्या है, ये क्या कर रहा है पार्लियामेंट, टी मैन्युफैक्चरर या कॉफी मैन्युफैक्चरर का जो पोजीशन है उसको अल्टर करने का पावर रखा है, पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये डेफिनेशन से अब देखो, एबिलिटी, पार्लियामेंट की एबिलिटी कॉन्फर्ड अपॉन अ पर्सन टू डिटरमाइन द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज और अदर लीगल रिलेशन आइदर ऑफ हिमसेल्फ और ऑफ अदर पर्सन। तो यहां पर ये किसका राइट्स, ड्यूटी या लाइबिलिटी डिटरमाइन कर रहा है, पार्लियामेंट, टी मैन्युफैक्चरर का। अब वन हैज द पावर देन द अदर हैज लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिनोट्स द पोजिशन हुज लीगल रिलेशन कैन बी ऑल्टर्ड और प्रोन टू सच ऑल्टरेशन। तो टी मैन्युफैक्चरर का लीगल रिलेशन, अभी जब तक पार्लियामेंट ने नया ड्यूटी नहीं बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट ने कोई नया लॉ लगा के कोई ड्यूटी नहीं इम्पोज की, तब तक टी मैन्युफैक्चरर एक लाइबिलिटी में रहता है। किस चीज की लाइबिलिटी, कि मेरा पोजिशन कभी भी चेंज हो सकता है, ये लाइबिलिटी होती है टी मैन्युफैक्चरर की। लाइबिलिटी रहेगी कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मेरा पोजीशन कभी भी चेंज कर सकता है, तो मेरी ये लाइबिलिटी रहेगी, मैं आई विल बी अंडर अ लाइबिलिटी कि माय पोजीशन कैन चेंज एनी टाइम। सो टी मैन्युफैक्चरर या कॉफी मैन्युफैक्चरर का ये लाइबिलिटी बनेगा कि मेरा पोजिशन पार्लियामेंट कभी भी चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे ड्यूरल कोरिलेटिव क्या हो गया, लाइबिलिटी। सो द पर्सन हु इज इन अंडर द सर्कमस्टांस जहां पे उसका पोजीशन चेंज हो सकता है, उसकी लाइबिलिटी बनती है। दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज ए ने बी को एक ऑफर किया, ठीक है, ए ने बी को एक ऑफर किया कि तुम मेरा बुक 1,000 रुपए में मुझसे खरीदोगे क्या। अब बी के पास क्या आ गया, बी के पास आ गया पावर, ठीक है, बी एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अब बी के पास आया पावर आइदर टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट। अब एक्सेप्ट करके बी अपना और ए का रिलेशनशिप चेंज कर सकता है। अब ये लोग क्या बन जाएंगे फिर, अगर बी ने एक्सेप्ट किया तो वो क्या बन जाएंगे, प्रोमिसर, प्रोमिसी, क्योंकि फिर वहां पे एक लीगल रिलेशनशिप बन गया, इंटेंशन बन गया वहां पे कि मुझे तुम्हारी बुक 1,000 रुपए में लेनी है। तो बी के पास आ गया पावर, ए का पोजिशन चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बी का पावर, वो बी अपना एक्सरसाइज करेगा कि नहीं उस पर डिटरमाइन करता है, डिपेंड करता है। तो ए का पोजीशन ऑल्टर हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो ए अब हो गया है लाइबिलिटी में, ए आ गया है अंडर लाइबिलिटी, ठीक है, कि मेरा पोजीशन या तो ऑल्टर होगा या नहीं होगा, इसने अगर कर लिया तो मुझे बुक देना पड़ेगा एंड फिर मैं प्रोमिसर बन जाऊंगा, वो प्रोमिसी बन जाएगा। तो ये पोजीशन, ये पावर है बी के पास, बी के पास हो गया पावर, अदर पर्सन जिसका लीगल रिलेशनशिप चेंज हो सकता है वो पर्सन इज हैविंग अ लाइबिलिटी, वो पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी होगा। मैंने अभी तीन कंसेप्ट को जो हमने पढ़ा था, राइट, प्रिविलेज और पावर, ये तीनों को थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर हुआ हो कि पावर क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैसे बना, मतलब अदर पर्सन का अगर मैं लीगल रिलेशनशिप चेंज कर पा रही हूं तो वहां पर मेरे पास पावर है, सामने वाले के पास लाइबिलिटी बन जाती है। थोड़ा सा मिक्स करते हैं कंसेप्ट को, थोड़ा सा मिक्स करते हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ए एक विल बना रहा है, ठीक है, सबसे पहले ए के पास राइट है, क्या राइट है, कि कोई भी एक्स पर्सन या बी उसको इन्फ्लुएंस ना करे। तो ए क्लेम कर सकता है बी से, या राइट है ए का बी के अगेंस्ट, कि तुम मेरे को विल बनाते वक्त इन्फ्लुएंस मत करो। बी की करस्पॉन्डिंग ड्यूटी क्या हो गई, कि मैं आपको विल बनाते वक्त इन्फ्लुएंस किसी भी तरह से नहीं करूंगा। ए के पास प्रिविलेज है, प्रिविलेज क्या है, कि मैं चाहूं तो विल बनाऊं, चाहूं तो नहीं बनाऊं, मेरे ऊपर कोई ड्यूटी तो है नहीं। हर पर्सन के ऊपर कोई लीगल ड्यूटी होती है क्या विल बनाने की, नहीं होती है। इफ आई डाई इंटरस्टेट तो वो एज पर लॉस जाएगा, मेरे ऊपर कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, मुझे किसी ने बोला नहीं है कि डेथ के पहले यू हैव टू मेक अ विल, तो ये मेरा प्रिविलेज है, ठीक है। अब ए का, ए ने अगर विल बनाया तो ए ने लीगल पोजिशन किसका चेंज किया, जिसके लिए बनाया, सपोज एक्स के लिए बनाया, तो यहां पर ए ने अपना पावर एक्सरसाइज किया विल बनाने का, और लीगल पोजीशन किसका चेंज हुआ, जिसके लिए विल बनाया, तो इस पर्सन की लाइबिलिटी बन गई और ए का पावर बन गया। समझ में आया ये कंसेप्ट?
ठीक है, नहीं समझ में आओगे तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। लास्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, इम्यूनिटी एंड डिसेबिलिटी पे। पावर एंड लाइबिलिटी समझी, अब इम्यूनिटी डिसेबिलिटी समझते हैं। इट डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ अ पर्सन हु इज फ्री टू एंजॉय अ लीगल रिलेशन विदाउट इट बीइंग चेंज्ड बाय अनदर पर्सन। जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्पल में था कि पार्लियामेंट ड्यूटी इंपोज कर सकता है टी या कॉफी मैन्युफैक्चरर पर एक नया लॉ बना के। सपोज ये इम्यून है, इसने बोला कि भाई मुझ पे तो आप कोई भी लॉ बना लो, आप मुझ पे कोई भी ड्यूटी कभी नहीं लगा सकते, मेरे पास इम्यूनिटी है। या मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ, जैसे कि फॉरेन डिप्लोमैट्स, ये और इजी एग्जांपल। आपका कॉन्स्टिट्यूशन अभी चल रहा है, आपने आर्टिकल 15 पढ़ा होगा। तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्टेट किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेट कुछ ग्राउंड्स मेंशन किए कि इन ग्राउंड्स पर, रेस, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा, ये ग्राउंड्स पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अगेंस्ट सिटीजन। तो सिटीजन्स के पास क्या आ गई? इम्यूनिटी। क्या आ गई? इम्यूनिटी की भाई जो ग्राउंड आपने मेंशन किए हैं आर्टिकल 15 पे, आप उसमें उस ग्राउंड पर मेरे अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। आई एम इम्यून। मेरा इम्यूनिटी लीड्स टू पार्लियामेंट का डिसेबिलिटी, क्योंकि पार्लियामेंट तो अब किसी भी तरह से कोई लॉ बना के मुझे, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। सेम टी मैन्युफैक्चरर को अगर ये इम्यूनिटी है कि मेरे ऊपर तो अब आप कोई ड्यूटी लगा ही नहीं सकते हो, मेरे पास इम्यूनिटी है, तो पार्लियामेंट की क्या हो गई? डिसेबिलिटी हो गई। सेम फॉरेन डिप्लोमैट्स के साथ कि हम उनपे चार्जेस नहीं लगा सकते, वो अपने जुरिस्डिक्शन, जहां जहां पे वो बिलोंग करते हैं, वो वहां के जुरिस्डिक्शन से गवर्न होते हैं, वहां के लॉज से गवर्न होते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हुआ कि मेरी इम्यूनिटी सामने वाले की डिसेबिलिटी बन गई, कि मेरे ऊपर आप कुछ भी, आप मेरा लीगल रिलेशनशिप नहीं चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी करो मेरा, मतलब ये जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था कि मैं एक्सेप्ट करके आपको प्रॉमिसर बना दूंगा या नहीं बनाऊंगा, ये सारे आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे इम्यून हूँ। जैसे आर्टिकल 15 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आर्टिकल 15 कि भाई सिटीजन दे आर इम्यून, कि मेरे अगेंस्ट आप इन ग्राउंड्स पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, ये मेरे 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 इम्यूनिटी है एंड आपकी डिसेबिलिटी है। सो डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ अ पर्सन हु इज फ्री टू एंजॉय अ लीगल रिलेशन विदाउट इट बीइंग चेंज्ड बाय अनदर पर्सन। मेरा लीगल रिलेशन कोई और चेंज नहीं करेगा, तो मेरे पास आ गई इम्यूनिटी। इसका जूरल कोरिलेटिव होगा, ये नहीं होगा, इसका जूरल कोरिलेटिव विल बी डिसेबिलिटी। इसका जूरल कोरिलेटिव विल बी डिसेबिलिटी, ठीक है? मेरी इम्यूनिटी दूसरे की डिसेबिलिटी। यहां तक क्लियर हुआ? इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी, पावर, लाइबिलिटी। थोड़ा सा अब जैसे हमने अपोजिट्स और कॉन्ट्राडिक्टरी समझा था, थोड़ा वैसे समझते हैं कि हमने अब कंसेप्ट क्या क्या पढ़े। पावर से क्या आता है? पावर के साथ आता है सामने वाले की लाइबिलिटी, ठीक है? एंड हमने पढ़ा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के साथ आता है सामने वाले की डिसेबिलिटी, ठीक है? अब यहां पे समझते हैं जूरल ऑपोजिट्स। पावर इज द एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन वन सेल्फ। पावर इज द एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन वन सेल्फ। तो पहले कोरिलेटिव देखते हैं। पावर के साथ मेरे पास क्या आया? लाइबिलिटी। मेरी पावर से मैं सामने वाले का लीगल रिलेशन चेंज कर सकती हूँ, सामने वाले की लाइबिलिटीज चेंज कर सकती हूँ, सामने वाले की लाइबिलिटीज चेंज कर सकती हूँ। सामने वाले को मैं बोल सकती हूँ कि अब तुम मुझे बुक दो, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम मुझे बुक दो, या मैं तुम पे ड्यूटी इम्पोज कर सकती हूँ। तो वो हो गया जूरल कोरिलेटिव। अब पॉज, ये हो गया अदर पर्सन के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि कोरिलेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी होता है अदर पर्सन के रेस्पेक्ट में, अपोजिट होता है मेरे रेस्पेक्ट में। अब पावर इज द एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन वन सेल्फ, मतलब मेरे में, मेरे पास अगर पावर है तो डिसेबिलिटी वहां पे नहीं हो सकती है। मतलब अगर मेरे पास पावर है कि मैं किसी का रिलेशन या अपना रिलेशन चेंज करूं, तो मेरे पास डिसेबिलिटी नहीं होगी किसी भी तरह से। एंड पावर इज द एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी इन अनदर। और मेरा पावर मतलब सामने वाले के पास इम्यूनिटी नहीं होगी, मैं उसका लीगल रिलेशन चेंज कर सकती हूँ। मेरा पावर मतलब दूसरे के पास इम्यूनिटी नहीं है। मेरा पावर मतलब मेरे पास डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब मैं खुद का भी चेंज कर सकती हूँ। आई एम नॉट मेकिंग एनीवन डिसेबल फ्रॉम चेंजिंग
द लीगल रिलेशनशिप, तो यहां पर ये आया पावर लाइबिलिटी डिसेबिलिटी एंड ये। तो हमने जूरल अपोजिट्स भी देखा, जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी भी देखा। लाइबिलिटी का समझते हैं, तो लाइबिलिटी इज द एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी इन वन सेल्फ, तो लाइबिलिटी इज द एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी इन वन सेल्फ, जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। लाइबिलिटी है तो सामने वाले का पावर है, ये तो अंडरस्टूड है कि ये जूरल कोरिलेटिव है, बट लाइबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी इन अदर पर्सन, मतलब अगर मेरी लाइबिलिटी है तो सामने वाला इम्यून नहीं है उस सिचुएशन में। अगर मैं लाइबल हूं कुछ करने के लिए, मेरी आप लीगल रिलेशन चेंज कर सक रहे हो, मैं अगर आप मेरा लीगल रिलेशन चेंज कर सक रहे हो तो मैं इम्यून नहीं हूँ। ये वन सेल्फ में होता है, तो मैं किसी भी तरह से इम्यून नहीं हूँ, ठीक है। एंड लाइबिलिटी इज द एब्सेंस ऑफ डिसेबिलिटी इन अनदर, मतलब अगर लाइबिलिटी बन रही है तो डिसेबिलिटी नहीं है, सामने वाले के पास पावर है फॉर श्योर, सामने वाले के पास पावर है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी। ये हमने अभी समझा पावर और लाइबिलिटी का। इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी का भी ऐसे ही समझते हैं कि इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी का जूरल अपोजिट और जूरल कोरिलेटिव क्या है। तो अगेन वो टेबल बना लेते हैं, पावर लाइबिलिटी इम्यूनिटी एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। इम्यूनिटी इज द एब्सेंस ऑफ लाइबिलिटी इन वन सेल्फ, मेरे पास इम्यूनिटी है तो कोई भी मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं डाल सकता है, दैट मीन्स ये हो गया जूरल अपोजिट्स। एंड इम्यूनिटी इज द एब्सेंस ऑफ पावर इन अनादर, मतलब मेरे पास अगर इम्यूनिटी है तो सामने वाले के पास पावर नहीं होगी, अदर पर्सन विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पावर ओवर मी कि वो मेरा लीगल रिलेशन चेंज कर सके। नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी इज द एब्सेंस ऑफ पावर इन वन सेल्फ। डिसेबिलिटी मतलब कि मेरे पास किसी भी तरह का पावर नहीं है कि मैं किसी और का लीगल रिलेशन चेंज कर सकूं। एंड डिसेबिलिटी इज द एब्सेंस ऑफ लाइबिलिटी इन अनदर, एंड किसी और की कोई लाइबिलिटी भी नहीं होगी, मैं किसी और का मेरे तरफ कोई लाइबिलिटी भी नहीं बन रहा है, मैं किसी और पे लाइबिलिटी नहीं डाल सकती हूँ। तो ये हो गया जूरल कॉन्ट्राडिक्टरी, ये हो गया जूरल अपोजिट्स, और ये हो गया जूरल कोरिलेटिव। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज हॉफिल्ड एंड जी विलियम्स का क्या कंसेप्ट था जूरल अपोजिट्स और जूरल कोरिलेटिव में। अगर अब भी नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे बताओ, आई विल शेयर इन पीडीएफ एंड बेटर एग्जाम्पल्स के साथ कि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक समरी देखते हैं। हॉफिल्ड ने कहा कि राइट इज वंस अफर्मेटिव क्लेम अगेंस्ट अनदर, मेरा एक अफर्मेटिव क्लेम है सामने वाले के अगेंस्ट कि मेरे को तुम 1,000 रुपए रेंट दोगे, ये मेरा क्लेम है, ठीक है। प्रिविलेज इज वंस फ्रीडम फ्रॉम राइट और क्लेम ऑफ अनदर, अगर मेरा प्रिविलेज है कि मेरे पास लैंड है तो कोई मेरे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाएगा कि तुमको 10 बजे जाना है 12 बजे जाना है। ये अच्छे से समझना है कि राइट दूसरों के बारे में हम बात करते हैं, मेरा क्लेम आएगा दूसरे के ऊपर, प्रिविलेज में मेरे अपने खुद के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पावर इज वंस अफर्मेटिव कंट्रोल ओवर अ गिवन लीगल रिलेशन एज अगेंस्ट अनदर, पावर हो गया एक अफर्मेटिव कंट्रोल ओवर अदर पर्सन, मेरा कंट्रोल दूसरे पर्सन के ऊपर। एंड इम्यूनिटी इज वंस फ्रीडम फ्रॉम द लीगल पावर, और इसी कंट्रोल से, ये जो कंट्रोल हमें पावर में मिल रहा है इसी कंट्रोल से अगर हम इम्यून है तो वो हमारी इम्यूनिटी हो गई। ये जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, राइट प्रिविलेज पावर और इम्यूनिटी का, सैलमन ने भी यही कहा है कुछ कुछ, तो थोड़ा ये भी देखते हैं। राइट इज इन द नैरो सेंस इज दैट विच अदर पर्सन ऑट टू डू इन माई बिहाफ, मतलब अदर पर्सन को मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा अगर मेरे पास राइट है तो। लिबर्टी या फिर प्रिविलेज इज दैट विच आई मे डू इनोसेंटली, मेरे ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, मेरी मर्जी होगी तो मैं करूंगी, किसी ने मुझे आके कुछ भी नहीं बोला है। पावर इज दैट विच आई कैन डू इफेक्टिवली, मेरे पास पावर है मैं उसको कर सकती हूँ, ठीक है। एंड इम्यूनिटी इज दैट विच द अदर पर्सन कैन नॉट डू इफेक्टिवली इन रेस्पेक्ट ऑफ मी, मतलब मेरे पास अगर इम्यूनिटी है तो दूसरा मेरा लीगल रिलेशन चेंज नहीं कर सकता है। सो आई होप आपको हॉफिल्ड का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। आज के डिस्कशन में राइट्स किस तरह के होते हैं, ड्यूटीज क्या होती है, ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हुए हैं। अगर अभी भी नहीं क्लियर है डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स बॉक्स, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश की है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, अगर नहीं है तो आप अभी भी मुझे बता सकते हो।
हमने प्रिपरेशन तो कर ली, बट चेक अभी भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा प्रिपरेशन का कुछ आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। एंड में तो एग्जाम लिखना है, सो सेव द डेट। आई हैव अ डेट फॉर यू, 22 मई 2022। आपको 22 मई 2022 को हमारा ऑल इंडिया ओपन मॉक होने वाला है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपियर इन दिस मॉक एंड चेक आपका प्रिपरेशन कैसा है। मेरे को कमेंट बॉक्स में आके अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहा है, कुछ हेल्प हुआ है कि नहीं क्लासेस से, आप कुछ समझ पा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपना प्रिपरेशन और बेटर वे में चेक करना है, तो वी हैव आर मॉक टेस्ट सीरीज ऑन डिफरेंट एलएलएम एग्जामिनेशंस लाइक क्लैट पीजी, आईलेट पीजी, बीएचयू एलएलएम, डीयू एलएलएम, आईएलआई एलएलएम, इन सब के लिए है। जो भी आपको मटेरियल्स लगेंगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो डू चेक इट आउट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अच्छा लगा है, आपको एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज को सर्च कीजिए यूट्यूब के सर्च बार में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक कीजिए, सो दैट हम और ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेकर आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।